हेलो इंजीनियर्स, तो स्वागत है गाइस सभी के इंजीनियर अड्डा 24/7 में। मायसेल्फ अभिनीत सिंह। तो गाइस कल है आपका PGCIL DT का पेपर, जिसमें कि बहुत ही शानदार जानदार गाइस वैकेंसी आपकी आई है। ठीक है, अब ये जो PGCIL 2023 का पेपर है गाइस, तो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे आपके लिए क्या टिप्स होने चाहिए और किस तरीके से जो पेपर है वो आपको अटेम्प्ट करना है, तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो सबसे पहले देखो गाइस, पेपर अटेम्प्ट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर में आ क्या रहा है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, आपका जो पेपर है पेपर में क्या आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अपन देख लेते हैं कि पेपर में क्या निकल के आता है हमारे पास में। ठीक है, तो देखो जो एग्जाम पेपर है हमारे पास में, इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, हमारे एग्जाम पेपर में आपके जो क्वेश्चन है गाइस ये होंगे टोटल हमारे पास में 170 क्वेश्चन। कितने हमारे पास में, 170 क्वेश्चन हमारे पास में। और 170 क्वेश्चन में से गाइज यहाँ पे हमारे पास में नॉन टैक के हैं कितने, 50 क्वेश्चन नॉन टैक। ठीक है, जिसमें रीजनिंग आपकी ये सब है इंग्लिश नॉन टैक। और हमारे जो 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन किसके गाइज हमारे टैक के, किसके 120 क्वेश्चन इज योर टेक्निकल। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे सबसे पहले जो आप राउंड लेंगे वो कौन सा लेंगे हमारे पास में, राउंड है ना, राउंड वन। तो गाइज सबसे पहले जो राउंड लेना वो यहाँ पे टेक्निकल का लेना। ठीक है, किसका, टेक्निकल का लेना। ठीक है, और टेक्निकल में भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको 100% आते हैं। ठीक है, टेक्निकल में बेटा कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं यहाँ पे, इन फर्स्ट राउंड। ठीक है, इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में गाइज आपको यहाँ पे क्या सॉल्व करना है, आपको यहाँ पे आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो अके आपके इजी हैं और सिंपल आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली नॉन टेक है ना, सिमिलरली नॉन टेक आपको सिमिलर यहाँ पे किस में जाना है, नॉन टेक में जाना है, सिमिलर नॉन टेक, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि एटलीस्ट आप एक नज़र में पूरा पेपर देख पाएंगे, है ना, एट ए ग्लांस आप यहाँ पे पूरा पेपर देख पाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन हमें स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अदरवाइज होता क्या है कि यहाँ पे जैसे लेंथी जो क्वेश्चन होते हैं ना, अदरवाइज यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, लेंथी क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो टाइम है पूरा खा जाएंगे, टाइम आपका पूरा खा जाएंगे। तो यहाँ पे जो टाइम मैनेजमेंट है हमारे पास में भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो है नहीं कि आपको यहाँ पे 50 घंटे अलग से दे दिए जाए, नहीं ना। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है यहाँ पे। अब एक बात बताओ, अगर मान लीजिए कोई लेंथी क्वेश्चन है और उसमें क्वेश्चन में सॉल्व करने में लगे 3 मिनट लगे, है ना, 3 मिनट लगे आपको, लेकिन आगे के जो 10 क्वेश्चन थे, आगे के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो किसमें, 3 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मान लीजिए आपने इसको सॉल्व कर दिए, एक नंबर मिलेंगे, और यहाँ पे 10 में से अगर आपके 8 भी सही हो गए तो नंबर कितने मिले आपको, 8 नंबर मिले। सो विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट, ये लेंथी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था या फिर आपके 10 नंबर, कोई शाबाशी थोड़ी ना बैठा वहाँ पे ना, नहीं तो मैं शक्तिमान बना दिया जाएगा कि यहाँ पे तुम्हें पद्मश्री अवार्ड दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो गाइज यहां पे आपको ये चीजें ध्यान रखनी है सारी चीजें, और क्योंकि अभी जैसे पिछला SSC JEE का एग्जाम हो, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सर हमने ये नहीं देख पाया, हमने वो नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया, समझाया था ना। तो यहां पे पहली नजर में आपको क्या करना है, पहली नजर में पेपर से आपको प्यार करना है, उसके बाद में सेकेंड अटेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद में गाइज आपको सेकेंड राउंड देना है यहां पे पेपर में, सेकेंड राउंड देना। ठीक है, और सेकेंड राउंड में जो आपको काम करना है, एक तो ये काम करना है कि लेंथी क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन वंस अगेन आपको अवॉइड करनी है, और यहाँ पे आपको गैस वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है गैस वर्क भी स्टार्ट करना है। ठीक है, और 4 में से 2 ऑप्शन में अगर है और आपको लगता है तो आप गैस वर्क के लिए जा सकते हैं। जब हमारा टाइम बचेगा तब आपको किस पे जाना है बेटा, ये जो लेंथी क्वेश्चन हमारे पास में, लेंथी क्वेश्चन पे आपको जाना है आपको। ठीक है, नाउ आज के दिन यहाँ पे क्योंकि कल हमारा पेपर है, कल आपका पेपर है, सो डू नॉट स्टडी न्यू थिंग्स, है ना, डू नॉट स्टडी न्यू टॉपिक। ठीक है, आपको नया टॉपिक अब नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना है, और यहाँ से आपको एट मोमेंट, है ना, लास्ट टाइम जस्ट आपको क्या करना है, रिवीजन, प्लीज़ डोंट गो फॉर क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना, रिवीजन ओनली आपको क्या करना है, जो आपने पढ़ा है उसका जस्ट आपको रिवीजन करना है विद कूल एंड काम। ठीक है, ये आपको करना है, इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, सो और गाइज यहाँ पे SSC JEE एक छोटी सी न्यूज़ और देना चाहूँगा कि SSC JEE के लिए जो फाउंडेशन बैच हमारा है ना, SSC JEE के लिए जो फाउंडेशन है YouTube पे होगा बेटा ना, YouTube पे आएगा, ये YouTube पे आएगा, और YouTube पे गाइज इसकी क्लास चलेगी आपकी 6 PM, और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल जैसे आप किसके नाम से जानते हैं, नेटवर्क के नाम से जानते हैं, और ये फ्री रहेगा बेटा, सबके लिए फ्री रहेगा, है ना, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। ठीक है, SSC JEE के लिए 2024, सॉरी कब से शुरू हो जाएगा आपका, 7th या फिर 8th ऑफ दिसंबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। एंड फाइनली गाइज विश यू
ऑल द बेस्ट गाइज, है ना, कल जाइए और यहाँ पे फोड़ के जाइए। और यहाँ पे भगवान से मैं प्रे करता हूँ ऊपर वाले से कि आप सबकी जो मेहनत है वो रंग लाए और कल अपने माँ बाप के सपनों को साकार करें और आपको एक प्यारी सी नौकरी आपको मिल जाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइड एंड गॉड ब्लेस यू।